Hello, good morning to everyone. Today, problems of inverse variation, worksheet 2, page 59. कल मैंने कुछ problems बताए, आज भी start करते हैं इसका कुछ important problem. Question number 5. In page 59, question number 5 is here. If 15 men can repair a road in 24 days, then how long will it take 9 men to repair the same road? 15 आदमी मिलकर एक रोड को 24 डेज में रिपेयर कर देता है. अगर उसी रोड को 9 आदमी मिलकर के 9 men 9 आदमी मिलकर के रिपेयर करता तो कितना दिन लगता? तो सबसे पहले हम यहाँ वेरिएबल को चूज करते हैं. टू वेरिएबल्स आर, यहाँ दो वेरिएबल है. कौन सा? तो फर्स्ट नंबर ऑफ मेन और दूसरा नंबर ऑफ डेज. तो कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट? द नंबर ऑफ डेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मेन. जितना ज़्यादा आदमी रहेगा उतना कम समय रहेगा, जितना कम आदमी रहेगा उतना ज़्यादा दिन रहेगा. And number of days depends on number of men. So number of days is dependent variable Y. Number of men is independent variable X. इस तरह हम पहले variable का selection करते हैं. अब हम format तैयार करते हैं. Format बनाते हैं. इस side variable और इस side कॉन्स्टेंट पार्ट को लिखते हैं. वेरिएबल में नंबर ऑफ मेन वेरिएबल है. नंबर हैज नो यूनिट, नंबर को कोई यूनिट नहीं होता इसलिए यूनिट नहीं लिखा गया. नंबर ऑफ डेज, नंबर हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं लिखा गया, केवल वेरिएबल वाई. अब आते हैं जब 15 आदमी पर डेज काम करता था तो वह रिपेयर जो है वह 24 डेज में हुआ. तो नंबर ऑफ मेन 15, नंबर ऑफ डेज टेकन 24. कहता है अगर उसी काम को 9 मेन करता तो कितना दिन लगता है? नंबर ऑफ मेन 9, हाउ मेनी डेज इट विल टेक? तो यहाँ लिखते हैं ए लेट. इधर इस पोर्शन में हम एक्स वाई नहीं लिखेंगे, केवल ए बी सी डी पी क्यू एम एन ये सब लिखेंगे. एक्स और वाई केवल इस साइड लिखेंगे, ये वेरिएबल पार्ट तो ए लेट. अब यदि मेन की संख्या बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएगा, कम दिन रहेगा. यदि मेन की संख्या कम कर देंगे तो ज़्यादा दिन रहेगा. यानी एक वेरिएबल के बढ़ाने पर दूसरा कम हो जाता है या एक वेरिएबल के कम करने पर दूसरा अधिक हो जाता है. इट इज इनवर्स वेरिएशन. तो एक्स, सिंस एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स वेरिएशन, जब इनवर्स वेरिएशन हो तो मल्टीप्लाई वर्टिकली, वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं. देयरफॉर ए इंटू 9 इज इक्वल टू 24 इंटू 15. ए इंटू 9 इज इक्वल टू 24 इंटू 15, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन. इसको हम इनवर्स वेरिएशन कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं. और ए इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर देंगे, 24 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9. 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 इंटू 8 40, ए इज इक्वल टू 40. तो आंसर शुड इन वर्स, आंसर को वर्स में देना है. हैंस इट विल टेक 40 डेज. तो 9 आदमी अगर उसी काम को करता तो रिपेयरिंग वर्क कितने दिनों में समाप्त होता? तो 40 दिन, 40 डेज लग जाता. इट विल टेक 40 डेज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाओ, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए शॉपकीपर हैज एनफ मनी टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग रुपीज 125. यदि प्रत्येक बुक की कीमत 125 रुपया, तो एक दुकानदार 40 बुक खरीद सकता है, इतना उसके पास धन है, पैसा है. कहता है हाउ मैनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ रुपी 25 ऑन ईच बुक.
कहता है यदि हर एक बुक पर 25 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता तो वह आदमी कितना बुक खरीद पाता। अब फिर वही सबसे पहले हम वेरिएबल का सिलेक्शन करते हैं, तो 2 वेरिएबल सर, यहाँ 2 वेरिएबल है क्या, तो नंबर ऑफ बुक्स, कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ ईच बुक। बुक की कीमत ज़्यादा होगी तो वह आदमी कम बुक खरीद पाएगा, बुक की कीमत कम होगी तो वह आदमी ज़्यादा बुक खरीद पाएगा। तो नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स। हियर कॉस्ट ऑफ ईच बुक इट इज वेरिएबल एक्स एंड नंबर ऑफ बुक्स इट इज वेरिएबल वाई। पहले हम वेरिएबल का सिलेक्शन कर लिए इस तरह। अब आते हैं फॉर्मेट तैयार किए, फॉर्मेट तैयार किए ये वेरिएबल ये कॉन्स्टेंट पार्ट। कॉस्ट ऑफ ईच बुक, कॉस्ट हैज यूनिट इन रुपीज इट इज वेरिएबल एक्स। नंबर ऑफ बुक्स इट हैज नो यूनिट इट इज ओनली वेरिएबल वाई। जब एक बुक की कीमत 125 रुपया 125 तो वह आदमी 40 बुक्स खरीद पाता है। यदि इसमें डिस्काउंट हो जाए बुक में 25 रुपये का, एक बुक की कीमत 125 माइनस 25 हो जाए तो वह कितना बुक खरीद पाएगा, हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय। लेट ए बुक लेट, यानी 100 रुपया पर बुक के हिसाब से वह कितना बुक खरीद पाता है, ए बुक लेट माना ए बुक खरीद पाता। तो कीमत ज़्यादा होने पर बुक कम, कीमत कम होने पर बुक ज़्यादा, यानी एक वेरिएबल का कीमत बढ़ने पर दूसरे का घट जाए, या एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाए, या दूसरे एक के घटने पर दूसरा बढ़ जाए, इट इज इन्वर्स वेरिएशन। तो एक्स इज इन इन्वर्स वेरिएशन टू वाई, एक्स इज इन इन्वर्स वेरिएशन टू वाई। देयरफोर जब इन्वर्स वेरिएशन होगा तो मल्टीप्लाई वर्टिकली ए इंटू 125 माइनस 25 इजकल टू 40 इंटू 125, ए इजकल टू इससे डिवाइड कर दिए 40 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 4 10 जा 40, 10 इंटू 5 50, ए इजकल टू 50, ए नंबर ऑफ बुक्स ही कैन बाय। तो ही कैन परचेज 50 such books, आंसर टू दिस वर्ड्स, ही कैन परचेज 50 such books। यदि एक हर एक बुक पर 25 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता तो वह 40 के बदले में 50 बुक्स खरीद पाता। दैट इज आंसर। वाओ, क्वेश्चन नंबर 11। ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर्स, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। एक ट्रेन जो कि 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4.8 आवर्स लगाती है समय। यदि वही डिस्टेंस वह 3 आवर्स में कवर करना चाहे तो उसका स्पीड क्या होगा। हियर 2 वेरिएबल्स आर स्पीड एंड टाइम। टाइम डिपेंड्स ऑन स्पीड, स्पीड जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा, स्पीड जितना कम होगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। द टाइम डिपेंड्स ऑन स्पीड, द टाइम इज वेरिएबल वाई, स्पीड इज वेरिएबल एक्स। वेरिएबल का सिलेक्शन कर लीजिए। अब आते हैं एस फॉर्मेट तैयार किए वेरिएबल पार्ट में। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड हैज यूनिट किलोमीटर पर आवर, इट इज वेरिएबल एक्स। टाइम टेकन, टाइम हैज यूनिट इन आवर, इट इज वेरिएबल वाई। जब स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगता है 4.8 आवर्स, जब टाइम लगेगा 3 आवर्स तो स्पीड क्या होगा। ए लेट, स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम रहेगा, स्पीड कम करने पर टाइम ज़्यादा रहेगा, यानी एक्स एंड वाई आर इन इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन है तो मल्टीप्लाई वर्टिकली ए इंटू 3 इजकल टू 75 इंटू 4.8,
ए इज इक्वल टू 75 इंटू 428 डिवाइडेड बाय 3 25 जा 75 25 इंटू 428 120 यानी 3 आवर्स में वही डिस्टेंस अगर कवर करना चाहे तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी 120 यानी स्पीड ऑफ ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट ए गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज एट द एंड ऑफ 5 डेज 5 मोर मैन ज्वाइन देम हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन एक मेस में 120 आदमी पर डे भोजन करेगा तो 30 डेज के लिए भोजन सामग्री है भोजन करना शुरू किया 5 दिन जब बीत गया 5 दिन बीत गया तो अब कितने दिनों का भोजन सामग्री बचा 25 डेज का 120 मेन के लिए 25 डेज का भोजन सामग्री बच गया लेकिन उसी समय 5 आदमी और आ गए 120 था ही या 5 और आ गए तो वह भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगा जो 25 डेज चलना चाहिए था अब कितने दिन चलेंगे तो टू वेरिएबल्स आर नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मेन कितने दिन भोजन सामग्री चलेंगे तो ये आदमी की संख्या पर निर्भर करता है तो नंबर ऑफ मेन वेरिएबल एक्स नंबर ऑफ डेज वेरिएबल वाई एट द एंड ऑफ 5 डेज 5 दिन जब बीत गया उसके बाद नंबर ऑफ मेन 120 प्लस 5 5 आदमी और आ गया नंबर ऑफ डेज वाट कितने दिन और चलेंगे तो फॉर्मेट तैयार करते हैं लेफ्ट साइड नंबर ऑफ मेन नंबर हैज नो यूनिट नंबर ऑफ डेज नंबर हैज नो यूनिट इट इज वेरिएबल एक्स इट इज वेरिएबल वाई तो 5 दिन बीत गया तो बच गया 25 डेज तो 25 डेज कितने आदमी खाता भोजन 120 मेन खाता इतना सामग्री था 5 आदमी और आ गया तो कितने आदमी हो गए 120 प्लस 5 आदमी तो कितने दिन अब चलेंगे 25 की जगह पर कितने दिन चलेंगे तो लेट 8 डेज 120 आदमी अगर भोजन करता तो 25 डेज अभी और खाता भोजन लेकिन 120 की जगह पर 120 प्लस 5 हो गया तो अब 25 डेज तो नहीं चलेगा कितना दिन चलेगा तो ए लेट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स वेरिएशन ज्यादा आदमी होगा तो कम दिन चलेगा कम आदमी होगा तो ज्यादा दिन चलेगा इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स वेरिएशन तो जब इनवर्स वेरिएशन है एक्स इज इन इनवर्स वेरिएशन टू वाई तो मल्टीप्लाई वर्टिकली ए इंटू 120 प्लस 5 ए इंटू 120 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 इंटू 120 तो ए इज इक्वल टू जिससे डिवाइड करती है 25 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 125 24 120 ए इज इक्वल टू 24 ए कितने दिन और चलेंगे यदि 5 आदमी और आ गए तो कितने दिन और चलेंगे तो इट विल लास्ट फॉर 24 डेज यह 24 डेज तक चलेंगे इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे आज का एच डब्ल्यू डू वर्कशीट टू पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछेंगे इसके बाद हम टाइम वर्क एंड टाइम डिस्टेंस बतलाएंगे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे